आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल आज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी स्टेडियम में टक्कर दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगी। दोपहर 1:30 बजे से मैच खेला जाएगा फाइनल। राजस्थान के उदय सहारण इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले भारतीय कप्तान और जानकारी ये है कि प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय टीम के लिए प्रार्थना की जा रही है। 5 बार की अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम है और इस बार भी जीत जो है भारतीय टीम को मिले और इसके लिए तमाम जगहों पर पूजन अर्चन का दौर जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक श्रीगंगानगर से लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है, वहां की क्या तस्वीरें हैं बताइए। देखिए पल्लवी, श्री गंगानगर के स्टेडियम में हम मौजूद हैं और यहां पर भी आज होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए काफी तैयारियां की गई है। मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि देखिए यहां पर भी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। बड़ी स्क्रीन लगाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि आज होने जा रहा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला श्री गंगानगर वासी लाइव देखें और साथ ही साथ ना केवल उदय की फैमिली के जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बाकी अन्य लोग भी मौजूद हैं। हम लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उदय के फादर मौजूद हैं और हम उन्हीं से सीधा जुड़ते हैं। आज आपके लिए बड़ा खास दिन होने जा रहा है। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन और हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा जब हमारी टीम कप जीत के आएगी। टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब इस कंडीशन में चूंकि आप तो उदय के न केवल फादर हैं बल्कि कोच ज्यादा हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आज भारतीय टीम अपनी स्ट्रेटेजी को रखेगी? कैसा भी सिचुएशन हो इंडिया इसको हैंडल कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ खास तैयारियां की गई हो, घर पे कोई पूजा पाठ की गई हो या कुछ और? नेचुरल है, ये तो वो स्टेज है जहाँ पूजा तो बनती है और माता रानी को याद किया है, शनि महाराज को याद किया है, बालाजी का दर्शन करके आए हैं, तो सबका आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए पल्लवी, श्री गंगानगर में बड़ा स्क्रीन लगाई गई है ताकि उदय की फैमिली के साथ साथ जो अन्य लोग हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, वो यहाँ पर मैच देख सकें। सबसे खास बात यह है कि उदय के फादर तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन उदय की जो बड़ी सिस्टर है, उनकी मदर है, वो घर पर पूजा पाठ करने में लगी हुई है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताएं सर, आज किस तरह से एक्साइटेड हैं आज के मैच को लेकर? सर बहुत ज्यादा, मैं फाजिल्का से आया हूँ सर, स्पेशली सर ने इनवाइट किया था और मुझे उम्मीद है हमारा बेटा उदय आज वर्ल्ड कप लेके आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ना केवल उदय की फैमिली या फिर गंगानगर वासी बल्कि पूरा देश आज उम्मीद कर रहा है कि श्री गंगा के उदय सारण की कैप्टनशिप में भारत आज का वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। हमारे साथ श्री गंगानगर की मेरू स्किल के प्रबंधक हेमंत गुप्ता भी मौजूद है, हमसे बात करते हैं। हेमंत जी, किस तरह से देखते हैं आज के मैच को? सब वी आर ऑल एक्साइटेड और हमें पूरा यकीन है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं आगे भी अच्छा ही करेंगे और हम सब परिवार स्कूल सब एकत्र हैं एकेडमी सपोर्ट करने के लिए अपनी टीम को। सर बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जहां साउथ अफ्रीका में फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है तो वहीं श्री गंगानगर सहित पूरे देश में इंडिया की टीम को चीयर अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। श्री गंगानगर का भी आप नजारा देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि श्री गंगानगर में उदय की फैमिली के साथ साथ जो क्रिकेट प्रेमी है वो इस पूरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाए। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ का माहौल दिखाऊं तो आप ये देखिए, अभी 1:30 बजने में थोड़ा वक्त है लेकिन जो मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर चेयर्स लगाई गई है वो चेयर्स अब धीरे धीरे ऑक्यूपाई होने लगी है, यानी कि श्री गंगानगर में आज के फाइनल मुकाबले को लेकर काफी खासा उत्साह देखा जा रहा है और लोगों की उम्मीद यही है कि आज के मुकाबले में भी जिस तरह से उदय सारण की कैप्टनशिप में भारतीय टीम ने अपनी अजय यात्रा जारी रखी है तो उसी तरह से आज का मैच भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि उदय सारण की कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप का खिताब भारत के नाम होगा। अशोक जरा बातचीत करिएगा ना, वहां पर युवा खिलाड़ी भी मौजूद हैं, एक प्रेरणा भी मिलती है जब अपने पास का कोई व्यक्ति इतने बड़े मैदान में जाकर के खेलता है तो देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो बात करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए पल्लवी, यहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप ये बताएं कि किस तरह से देखते हैं आज के मैच को आप? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के मैच के लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि उदय सहारण बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और हमारी बेस्ट विशेज है उदय सहारण के लिए और टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, देखिए बेस्ट विशेज मिल रही है, इसके अलावा ठीक है अशोक, नजर बनाए रखना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम छठवें खिताब के लिए श्री गंगानगर के उदय सहारण के नेतृत्व में आज मैदान में उतरेगी। उदय के ऊपर जहां अंडर 19 विश्व कप का खिताब बरकरार रखने का दबाव होगा, तो वहीं तीन बार अंडर 19 विश्व कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की नजर चौथी बार इस खिताब को अपने नाम पर करने पर होगी। उदय सहारण के परिजनों का पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम 2012 और 2018 के इतिहास को दोहराते हुए ऑस्ट्रेलिया को अंडर 19 विश्व कप में हराकर विश्व कप उठाएगी और विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला भी लेगी। हम भी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि जैसे सचिन, जैसे उदय, मुशीर, स्पेशली सौम्या पांडे, लिम्बानी, नमन, आदर्श, मतलब जिसका भी नाम लिया जाए सब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है भी आज वर्ल्ड कप हम लोग जीतेंगे। वहीं भारतीय टीम की जीत और बेटे की कामयाबी के लिए जहां मां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और टीम की जीत के बाद वो माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगी, वहीं उनकी बहन का मानना है कि भारतीय टीम का हर प्लेयर काफी अच्छा खेल रहा और ऐसे में टीम भावना से खेलते हुए भारत जरूर विश्व कप जीतेगा। मैं थोड़ा सा भगवान में ज्यादा विश्वास करती हूँ, माता रानी में ज्यादा विश्वास करती हूँ, तो मैं उनके माता रानी के दर्शन करने जाना जाऊंगी वर्ल्ड कप जीत के। अगर उदय और इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत फक्र है अपने भाई पे कि वो जहाँ से उसने शुरू किया और आज जहाँ पे वो पहुंचा हुआ है बहुत ही गर्व की बात है, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे सारे इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी एक बच्चे को मैं क्रेडिट नहीं दूंगी इस चीज़ का। भले ही उदय मेरा भाई है लेकिन सौम्या पांडे, आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, सचिन दास, मुरुगन अभिषेक, उसकी फील्डिंग अमेजिंग, एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे कैन। ये लोग देश के लिए खेल रहे हैं, अभी पर्सनल अचीवमेंट्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। एंड मैं चाहूंगी कि हम प्रे कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हम सेमीफाइनल्स में भी बहुत घबरा गए थे जब 4 विकेट गिर गई थी, एंड वी आर प्रेइंग कि ये लोग वर्ल्ड कप जीत के आए। दोनों टीमों ने अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, आज दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए, जिनमें से टीम इंडिया ने 6 मैच जीते और ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 2 ही मुकाबले जीत पाई है। श्री गंगानगर के उदय सारन की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही भारतीय टीम से न केवल उदय के परिजनों ने बल्कि पूरे देश ने फाइनल मुकाबले में रोमांचक जीत के साथ वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किए जाने की उम्मीद लगा रखी है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।